अब कुछ बात करेंगे बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों की। लाहौर के मवेशी मंडियों में बड़े बड़े हैवी वेट जानवरों के चर्चे तो एक जानेब, वाघा की मवेशी मंडी में दिलबर ने सबके दिलों पर कब्जा कर लिया है। दानिश भट्ट की रिपोर्ट देखिए। ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडियों में आवाम का रश बढ़ गया है। लोगों की बड़ी तादाद अपना पसंदीदा जानवर खरीदने में मगन है। वाघा की मवेशी मंडी में सोहनू, मोहनू, चंदा और भोलू जैसे हैवी वेट बैल लोगों की तवज्जो का मरकज बने हैं। इन बैलों की चाल ढाल और अंदाज का कोई सानी नहीं है। वाघा की मवेशी मंडी में दिलबर नामी बैल ने सबको पीछे छोड़ दिया है। दिलबर का नखरा चाल ढाल सबसे अलग ही है और तो और इस जोकामत बैल का वजन भी 30 मन से जायद है। दिलबर की खास बात ये है कि उसके जिस्म पर दिल बना है, इसी मुनासबत से उसके मालिक ने उसका नाम दिलबर रखा है। दिलबर को उसका नया मालिक भी मिल गया है जिसने उसे पूरे 7 लाख रुपए में खरीदा है। दिलबर का मालिक उसे खरीद कर बहुत खुश है। वो कहते हैं कि मंडी में उसने अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए सबसे बेहतरीन चीज खरीदी, इसलिए पैसों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ना खर्चा करे ना सुन्नत प्रेमी पे वो काम, दिल खोल कर अल्लाह की राह में दिल खोल कर खर्च करना कंजूसी नहीं करनी, हमने दिल खोल कर। दूसरी जानिब दिलबर का पुराना मालिक थोड़ा अफसरदा भी है कि इतनी प्यारी चीज से मानूस होने के बाद उसे बेचा, और खुश भी है कि कई साल की मेहनत के बाद दिलबर अल्लाह की राह में कुर्बान होगा। बस जी, दिलबर तो मेरा दिलबर जानी था, आज हमसे जुदा हो रहा है। अल्लाह ताला कबूल करे कुर्बानी जिस मकसद के लिए हमने तैयार किया, जिन लोगों ने लिया है, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल करे। प्यारा दिलबर अब अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार है और खुश भी है कि इसे उसी की तरह का बड़ा दिल रखने वाला नया मालिक मिल गया। लाहौर की मवेशी मंडी में बड़े दिल वाला दिलबर तो चला गया, लेकिन जाते जाते अपने साथियों को सूना भी कर गया। कैमरामैन ए आर रहमान के साथ दानिश भट्ट, वक्त न्यूज़, लाहौर।